आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस 1009, जो कि यशोदा सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की एक वैरायटी है, जिसने अभी महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा नाम बनाकर रखा है और काफ़ी ज़्यादा किसानों के बीच में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भी कुछ किसानों द्वारा इसे लगाया गया है और काफ़ी किसानों को यह पसंद भी आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र की वैरायटी के बारे में बात करें तो एमपी में उतना अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और एमपी में उतना अच्छा प्रोडक्शन भी नहीं दे पाती हैं। अगर KDS 726 की बात करें तो जो कि गवर्नमेंट रिसर्च वैरायटी थी, उसने भी लास्ट में उसमें येलो मोजक आ गया था, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसी के चलते हमने इसका एक ट्रायल लगाया है, लगभग 25 केजी इसको आधा एकड़ में लगाया है। अगर आधा एकड़ की बात करें तो एक हेक्टेयर का जो पाँचवा हिस्सा होता है उसको आधा एकड़ कहा जाता है। मतलब अगर इसका सीड रेट के बारे में बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो सीड रेट है 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखा है। अगर जर्मिनेशन की बात करें सीड रेट की, तो इसका जर्मिनेशन थोड़ा सा वीक था, वो तो शायद कुछ सीड की समस्या हो सकती है, अलग अलग रख रखाव के चक्कर में हो सकता है। ये जो सीड है अपन ने डीलर से लिया था, अग्रवाल कृषि सेवा केंद्र हरदा, इनके डीलर हैं ये सोदा सीड्स के, इनसे अपन ने लिया था। ओवरऑल मैं आपको पूरा प्लॉट दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं कहीं से कुछ विशेष चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि कुछ जहाँ अच्छा पौधा है या फिर अच्छी तरीके से लगी हुई है वहाँ मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ें, बारीक से बारीक चीज़ें मैं आप सभी को कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिले। क्योंकि कुछ सोयाबीन की या फिर किसी भी प्रकार की कुछ बढ़ाई वगैरह कर देना अपन ने, थोड़ा बहुत बता देना सीड बेचने के चक्कर में, तो अपन कोई सीड सेलर तो है नहीं। तो आपको पूरी बारीकी से और सारी चीज़ें मैं आप सभी को दिखाता हूँ। अगर इस प्लांट के बारे में बात करें तो इसकी सोइंग की गई थी 28 जून को, आज जुलाई की 22 तारीख है, तो ओवरऑल इसको 24 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं। 24 दिन के बाद से देख सकते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो ग्रोथ तो बढ़िया है, क्योंकि इसमें दो दो हर्बिसाइड डले हैं। अगर पहले ही बात करें तो इसमें प्री मर्जिंग हर्बिसाइड डाला था, जिसका रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं मिला, जिसके बाद पोस्ट मर्जिंग हर्बिसाइड डाला, उसमें अगर बात करें तो क्लोबिन परसूट और उसके साथ में अपना क्या बोलते हैं फ्यूजीप्लेक्स, तीनों का कॉम्बिनेशन लेके फिर डाला था। तो देखिए कहीं कहीं ओवरडोसिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ये कुछ समस्याएं हैं, ये इस प्रकार की। ये घास तो पूरा ख़त्म हो गया है, लेकिन सोयाबीन भी बढ़िया, खैर क्योंकि ये जो वैरायटी है थोड़ी सी ब्रांचिंग भी ज़्यादा करती है, ऐसा कंपनी का कहना है। अगर प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो 14 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रोडक्शन कंपनी द्वारा बताया जा रहा है। तो ये तो सिर्फ सीड सेलिंग की बात रही, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन अगर मिलता तो ये वैरायटी पूरे नाम से बिकती, तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन रहता नहीं है। अगर 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी ये प्रोडक्शन देती है तो बहुत बढ़िया इसका प्रोडक्शन निकलता है। अगर प्रति हेक्टर के हिसाब से बात करें तो 8 × 16 और 16 × 4 = 20, 20 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से भी अगर इसका प्रोडक्शन रहता तो ये वैरायटी एमपी में बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर जाएगी। अभी 24 दिन के बाद इसकी कंडीशन अगर देखें तो ये देखिए ब्रांचेस इसमें नीचे से निकल रही हैं, ये देखिए ये कुछ ब्रांचेस पूरी निकल रही हैं धीरे धीरे। ये देखिए थोड़ा सा करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद कैमरे में अगर आपको नहीं दिखे तो थोड़ी सी कैमरा की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा देना। वो नए जो पत्ते हैं बढ़िया निकल रहे हैं, तो अभी तो बढ़िया कंडीशन में है, बाकी इसके बाद की कंडीशन हम आपको बताते रहेंगे। अगर लास्ट ईयर आपने इस वैरायटी को लगाया है एमपी में किसी भी ज़िले में, तो अपने ज़िले का नाम, गांव का नाम और इस वैरायटी ने कितना क्या उत्पादन दिया, सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप अगर कमेंट कर देंगे तो बाकी किसानों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। बाकी हम तो कर ही जा रहे हैं। अगर आपको किसी और वैरायटी के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं, ताकि जो वैरायटी हैं अगर हमारे पास नहीं है तो जिन किसानों ने उसे लगाया है उनके पास जाके और उसकी जो पोजीशन है, कितने दिनों में किस प्रकार से सर्वाइव कर रही है, कुछ समस्या तो नहीं है, उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर लास्ट तक अगर आप आए हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।